नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं प्राइम उत्तर प्रदेश। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। कल पूरे देश में ईद का त्योहार मनाया जाएगा। वहीं इस मौके पर राजधानी की पुलिस ने ईद शांतिपूर्ण तरीके से बीते इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसी दौरान प्राइम टीवी से लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा उन्होंने। पूरे देश में कल ईद का त्यौहार मनाया जाएगा और उसको देखते हुए राजधानी लखनऊ में भी काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हुए हैं। इसको लेकर के बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर साहब। सर, ईद है कल और बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश दुनिया में ईद मनाई जाती है। राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो सुरक्षा इंतजाम किस तरह से किए गए? देखिए, मैं आपको और आपके माध्यम से दर्शकों और खासकर लखनऊ के निवासियों को बताना चाहूँगा कि पाक महीना रमजान चल रहा है और उसकी आखिरी तारीख कल होगी जब ईद मनाया जाएगा। और इस रमज़ान के दौरान पूरे लखनऊ में अमन शांति का माहौल कायम रहा। इस बीच हमारे दो जुलूस निकले, 19वीं जुलूस और 21वीं जुलूस, जो कि क्रमशः 21 अप्रैल और 23 अप्रैल को पड़े। काफ़ी संख्या में भीड़ आई, तादाद आई और काफ़ी शांतिपूर्ण रहा। अभी 29 तारीख को आपने देखा होगा अलविदा का नमाज भी काफ़ी शांतिपूर्ण सम्पन्न हुआ। इसी क्रम में कल ईद के नमाज अदा किए जाएंगे। हम लोगों ने सारी व्यवस्था कर रखी है। हम लोग जितने धर्मगुरु हैं, दोनों संप्रदाय के शिया सुन्नी, उनसे बात कर रखी है, हिंदू धर्मगुरुओं से बात की है। हम लोगों ने मीटिंग्स की है, हम लोग कहाँ कहाँ फोर्स का डिप्लॉयमेंट होना वो तय किया है। हम लोगों ने अपने फोर्स को ब्रीफ किया है, जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए वहाँ लगाया है, ड्रोन लगाए जाएंगे। तो इन सब सारी व्यवस्थाओं के अनुसार मैं समझता हूँ कि कल ईद का त्यौहार भी सफल संपन्न होगा। सर, लाउड स्पीकर को लेकर के भी लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो कल को लेकर के कुछ अहम इंतजाम लाउड स्पीकर पर किए गए हैं? केवल कल के लिए नहीं, कि हमारी लगातार सतत प्रक्रिया जारी है और इसमें लखनऊ के वासियों ने हमारा काफ़ी सहयोग दिया है। जहाँ जहाँ गलत लाउड स्पीकर लगे थे उतार दिए गए हैं, जहाँ जहाँ लाउड स्पीकर लगे हुए थे उनकी आवाज़ ज़्यादा थी उनको आवाज़ कम कर दी गई है। शासन प्रशासन का यही निर्देश है कि आप यदि लाउड स्पीकर कहीं लगाए हुए हैं तो उसकी आवाज़ केवल आपके परिसर के अंदर ही रहे, परिसर से बाहर ना जाए। तो धीरे धीरे इसका पालन हो रहा है और हम लोग इसका 100% पालन सुनिश्चित कराएंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। तो लगातार डीके ठाकुर साहब की तरफ से प्रशासन दुरुस्त करने की व्यवस्था की जा रही है राजधानी लखनऊ में, ताकि जो ईद का त्यौहार है वो शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हो सके। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं नितिन, प्राइम टीवी। देश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,157 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में एक्टिव केस बढ़कर 19,500 हो गए हैं। बीते दिन 26 लोगों की मौत हो गई है। अब तक कोविड से 5,23,843 लोगों ने जान गंवा दी है। भारत में 5 सबसे संक्रमित राज्यों की बात करें तो दिल्ली में सबसे ज्यादा 1,485 केस मिले हैं। वहीं हरियाणा में 479, केरल में 314, उत्तर प्रदेश में 268 और महाराष्ट्र में 169 केस सामने आए हैं। आसमान से निकल रही आग के बीच अगले 5 दिनों तक लोगों को गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में आज का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इसी के साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी लोगों को परेशान करेंगी। बीते दिन अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पश्चिमी विक्षोभ की ताजा स्थिति ने लू का प्रकोप झेल रहे उत्तर पश्चिमी भारत को रविवार को राहत दी। हालांकि मध्य भारत और पश्चिमी राजस्थान में झुलसा देने वाली गर्मी का प्रकोप जारी रहने का अनुमान है। अगले 24 से 48 घंटों की बात करें तो मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में कुछ जगह पर तापमान 50 डिग्री तक पहुंचने की आशंका जताई है। ईद को लेकर गाजियाबाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। गाजियाबाद के एसएसपी मुनिराज ने बताया कि जिले को 6 जोन में बांटा गया है, जिसके अंदर सेक्टर और सब सेक्टर बनाए गए हैं, जिसका प्रभारी सीओ लेवल के अधिकारी को बनाया गया है। बता दें कि जिले में 224 जगह पर ईदगाह है, जहां पर कल ईद की नमाज अदा की जाएगी। कल ईद की नमाज को लेकर गाजियाबाद पुलिस की पीस कमेटी के साथ बैठक हो चुकी है। सभी धर्म गुरुओं के साथ भी पुलिस ने बैठक की है। इसके साथ ही गाजियाबाद के एसएसपी राजू ने बताया कि सार्वजनिक स्थल पर भी नमाज पढ़ने की परमिशन नहीं दी गई है। और क्या कुछ जानकारी है आप भी देखिए। ईद को लेकर पूरा जनपद का मैंने 6 जोन से बांटा हूं, उसके अंदर सेक्टर्स और सब सेक्टर्स बनाया है। सेक्टर्स का प्रभारी सीओ रहेंगे, बाकी सब सेक्टर के प्रभारी लोकल एसएचओ रहेंगे। और जनपद में 224 जगह के ईदगाह है, वहां पे सब नमाज होगी। पहले हमने सब जगह मीटिंग कर चुका हूं, पीस कमेटी मीटिंग करा दिया और उसके साथ साथ धर्म गुरु से मीटिंग कराया हम लोगों ने। सभी लोग का जो कोई भी गैर परंपरागत कोई काम नहीं होगी और साथ साथ सबके निवेदन भी किया है।
कहीं भी सार्वजनिक स्थल पर कहीं भी नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। और अभी हलविदा का नमाज में उनका सहयोग बहुत अच्छी रहा, हम लोगों ने लगातार संवाद बना रखा है सभी जनपद वासियों से, सभी धर्म से लोग के सभी लोग से बात किया है, जनपद में सब ठीक चल रहा है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ हमने सभी सीओ और एडिशनल एसपी का आदेश किया है, आज और कल दो दिन ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखेंगे, कहाँ कहाँ मिश्रित तबादी है उस इलाका में ड्रोन के माध्यम से हम लोग निगरानी रखेंगे। और साथ साथ हमारा फोर्स लगातार फुट मार्च और रूट मार्च सब करा कर रखा है। और उसके साथ साथ रायबरेली के बछुरावा थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। लखनऊ प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिसमें मौके पर बाइक सवार महिला और पुरुष की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को पीछे से टक्कर मारी थी। टक्कर लगते ही बाइक सवार सड़क पर गिरे और ऊपर से ट्रक गुजर गया। दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रायबरेली जिले के जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर रोशन सिंह पटेल ने मानवता की मिसाल पेश की है। मामला मिल एरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत जैतुपुर की बच्ची का है, जहां पे बच्ची बुखार से पीड़ित थी, जिसके बाद बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां कमजोरी के कारण खून चढ़ाने की जरूरत पड़ गई। बच्चे की माँ सुबह से ही खून के लिए परेशान थी, लेकिन खून नहीं मिल पाया। ऐसे में डॉक्टर रोशन सिंह पटेल खुद खून देकर बच्ची की जान बचाने के लिए आगे आए। मरीज पहले से भर्ती था, उसका बच्चा था, उसको सीवियर एनीमिया था, उसे ब्लड की ज़रूरत थी। बच्चा सुबह पर काफ़ी सिक था, माँ उसकी सुबह से ब्लड देने के लिए परेशान थी, लेकिन क्योंकि माँ का ब्लड 8 से कम था तो वो भी नहीं दे पा रही थी, और उसका हस्बैंड बहुत कहीं बाहर रह रहा था, और साथ में जो लड़का था वो 18 साल से कम था तो वो भी नहीं दे पा रहा था। तो महिला सुबह से परेशान थी, मैं 2 बजे ड्यूटी पर आया, 3 बजे मुझे पता चली कि उसे ब्लड की ज़रूरत है, फिर मैंने। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मां बाप और बहन की हत्याकांड के बाद दो नाबालिग भाइयों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारा बने। सीएम योगी ने दोनों भाइयों की आर्थिक मदद की। उन्होंने दोनों भाइयों को 2.5-2.5 लाख रुपए का चेक जिला प्रशासन की ओर से भिजवाया। विधायक विपिन सिंह ने दोनों भाइयों को चेक सौंप कर उनको हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। घटना तो दुखद थी, दो नाबालिग बच्चे उनके थे, और इस पर हमने पूज महाराज जी से भी जब आए थे गोरखपुर भ्रमण के दौरान, तो मैंने पूज महाराज जी से कहा कि बहुत ही गरीब परिवार है और इनको आपके स्तर से सहायता मिलनी चाहिए। पूज महाराज जी ने कहा कि निश्चित ही सहायता मिलेगी, और तुरंत ही नेक्स्ट डे हमको फिर लखनऊ से फ़ोन आ गया कि उनकी सहायता जो है 5 लाख रुपये जो है दोनों बच्चों के नाम से 2.5-2.5 लाख रुपये जो है कर दिया गया है, इसको आप जो है बुला करके उनको। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के गंगीरी पनेठी मार्ग गांव शेखा के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दो भाइयों को रौंद दिया, जिसमें दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। जबकि पुलिस द्वारा अज्ञात वाहन के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर आक्रोशित लोगों ने पुलिस चौकी पनेठी का घेराव करते हुए कार्रवाई की मांग की है। सर ये लोग गाड़ी बाइक तैयार से जलाली से कुछ सामान वामान लेके अपना जलाली मार्केट पड़ती है वहाँ सामान, और इधर से कोई वाहन आ रहा होगा शायद, तो ट्रैक्टर आ रहा था, ट्रैक्टर वगैरह कुछ भी कुछ उससे एक्सीडेंट हुआ है, अब गंभीर है बहुत। खबर फरुखाबाद से है, जहां संविलियन प्राथमिक विद्यालय में तैनात प्रिंसिपल की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई, जिसके बाद मृतक की पत्नी ने जहर देकर प्रिंसिपल राम किशोर को मारने का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले पर मृतक की पत्नी का कहना है कि मृतक राम किशोर राजपुर जाने की बात कर घर से निकले थे, जिसके बाद उन्होंने कुछ लोगों से मुलाकात करते हुए उनके घर गए और नाश्ता किया, लेकिन जैसे ही प्रिंसिपल वापस अपने घर पहुंचे वहां उनकी तबीयत बिगड़ने पर वो बेहोश हो गए, जिसके बाद परिजनों ने आनन फानन में उनको CHC भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। परिजनों के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसके अनुसार थाना अमृतपुर में मुकदमे को दर्ज कर दिया गया है, और उसकी विवेचना गुण दोष के आधार पर मेरे द्वारा स्वयं की गई। अभी किसी को हिरासत में लिया गया? अभी हिरासत में नहीं लिया है, क्योंकि आज ही मुकदमा दर्ज किया गया है। हिरासत में लेने से पहले सारे चीजें हमें देखनी है।
खबर संभल से है, जहां बबराला रोड श्यावली पर एक तेज रफ्तार कार ने पीछे से बाइक को टक्कर मार दी और ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी बिजली के पोल से जा टकराई और बिजली का पोल भी टूट गया, जबकि दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन कार चालक कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। फरुखाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां अधेड़ को अज्ञात लोडर चालक ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई, साथ ही कुछ लोग भी घायल हो गए हैं, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक्सीडेंट क्या, हम तो लोग खाना ना खा रहे थे, तो हमारे घर वालों को जो सूचना मिली, जो हमारे जान पर्चे के आदमी थे ना, उन्होंने लोगों ने बताया कि तुम्हारे मामा का एक्सीडेंट हो गया, तो हम लोग खाना ना खा के वैसे छोड़ दिया। एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ? हाजियापुर मंदिर के पास ही में है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वहीं पर हुआ था। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने बताया था कि किसी गाजियाबाद में एक बार फिर एक मरीज की जान झोला छाप इलाज का शिकार हुई। घटना गाजियाबाद के मोदी नगर थाने के विजयनगर इलाके की है, जहां 3 दिन से बीमार चल रहे एक युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जांच में शुगर बढ़ी हुई सामने आई। डॉक्टर ने युवक को एक बोतल खून चढ़ा दिया, जिससे युवक की हालत बिगड़ने लगी और मौके पर उसकी मौत हो गई। वही घटना के बाद अस्पताल पहुंचे हिंदू युवा वाहिनी के नीरज शर्मा ने बताया कि SK हेल्थ केयर नाम का हॉस्पिटल पूरी तरह से अवैध है, जबकि डॉक्टर के पास कोई डिग्री भी नहीं है। वहीं घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस की जांच में युवक के पास से कोई डिग्री नहीं मिली है। ये विजयनगर कॉलोनी है गोविंदपुरी की, जहाँ पर एक हॉस्पिटल खुला हुआ है, वो भी अवैध। इसमें जो डॉक्टर है उसको कोई डिग्री नहीं है। जो उसके यहाँ मेडिकल स्टोर में दवाई पाई गई है, वो भी उनकी डेट निकली है सब दवाइयों की। यहाँ पे एक पीड़ित भाई हैं, इनके पापा रात एडमिट किए गए थे यहाँ पे, जिन्हें ब्लड चढ़ाया गया, एडमिट किया गया, जिन पर डिग्री नहीं है वो यहाँ ब्लड चढ़ा रहे हैं, उन्हें एडमिट करके उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जब लगा कि ये खत्म हो चुके हैं, जब उन्हें यहाँ से रेफर कर दिया गया। मांग करने के लिए जो डॉक्टर है उस पर कार्रवाई हो, और जो पीड़ित है उसका पोस्टमार्टम करके जो भी बड़ी कार्रवाई हो वो होनी चाहिए। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों में देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो